महालक्ष्मी को मिलना चाहते हो? मुंबई इज नोन फॉर समृद्धि, पैसे के लिए मुंबई प्रसिद्ध है। महालक्ष्मी मिलना चाहते हो? सरस्वती, अन्नपूर्णा, महाकाली इन बिजनेस, हेल्प मी टू वेलकम मिसेस रूपल वसुपाल जी ऑन स्टेज। तालियां नहीं रुकनी चाहिए। मुंबई से सेलिब्रेशन मलेशिया तक जाना चाहिए, मलेशिया से मुंबई नहीं। सीटियां बज रही है। थैंक यू, थैंक यू। सेम पीडीएफ। सेम पीडीएफ दोन स्लाइड अगोदर से। डॉक्टर लीमची जी सी, ओके थैंक्स। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मुंबई, गुड मॉर्निंग महाराष्ट्र। तो जैसे कि मेरे पति ने आपको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है, 10 बारी बता दिया, मेरी पत्नी आके बताने वाली है, अब आ गई हूँ मैं। वैसे तो मेरा डीएक्सएन में इंट्रोडक्शन मेरी शादी के वक्त हुआ। सो जैसे कि हर बहू के लाइफ में जब वो नए घर में जाती है तो सास ससुर ननद वगैरह होते हैं, मेरे लाइफ में भी सास ससुर ननद, फिर डॉक्टर लिम, अपलाइन, डाउनलाइन, गैनोटर्मा की कॉफ़ी और न जाने कितनी सारी चीज़ें थी। एंड आई गॉट इंट्रोड्यूस एक शॉट में बहुत सारी चीज़ों तक इंट्रोडक्शन हो गया था मेरा जब मैंने नई नई शादी करके आई थी। तो शायद उस वक्त मुझे इन सब चीज़ों की वैल्यू इतनी समझ में नहीं आती थी। हम दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे और हम दोनों चाहते थे कि हम अपना खुद का बिजनेस खड़ा करें। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रॉम इन्फोसिस थी बिफोर शादी, एंड माय हस्बैंड आल्सो वाज वेरी पैशनेट, उनको बहुत पैशन था प्रोग्रामिंग का। तो हम चाहते थे कि हम एक इन्फोसिस जैसा बड़ा कंपनी खड़ा करें। तो हमने ऑलमोस्ट अबाउट 10 to 12 years उसमें हमने अपना टाइम गंवाया था, गवाया तो नहीं बोल सकते हैं, काफ़ी कुछ हमने सीखा भी था। लेकिन इस दौरान हो सकता है कि कहीं ना कहीं मैंने घर में जो दी गई जितनी भी कृपा थी, जैसे कि मेरे हस्बैंड कहते हैं जो डीएक्सएन के गिफ्ट्स थे, कहीं ना कहीं मैंने इसको ठीक से वैल्यू नहीं किया था, इसको ठीक से समझा नहीं था, इसको समझने के लिए मैंने बहुत वक्त लगा दिया। लेकिन आज मैं कह सकती हूँ कि मैं इस दुनिया की सबसे खुश नसीब इंसान हूँ, क्योंकि मेरे सास ससुर डॉक्टर रत्ना और प्रोफेसर वसुपाल हैं, जो कि नेटवर्किंग, बिजनेस और वेलनेस के नॉलेज का भंडार है। पूरा वेलनेस पे आपको जो भी नॉलेज चाहिए वो नॉलेज यहाँ अवेलेबल है। एंड ऑफकोर्स आप सबकी जैसे मुझे भी वही खुशनसीबी है जो आप सबकी है, जो कि है नेचर्स अमेजिंग गिफ्ट्स फॉर मैनकाइंड। जिस तरह से आपको वो सब मिला है मुझे भी वो मिला है, और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू है डॉक्टर लिमसर जिन सर का, और बहुत बहुत थैंक यू है डीएक्सएन का कि हमें इतना अमेजिंग नेचर्स गिफ्ट्स मिले हैं। और जैसे मेरे पति बता रहे थे कि इसके पहले हम ट्रेडिशनल बिजनेस में थे, तो ट्रेडिशनल बिजनेस में नियर टू अबाउट जैसे 10 to 12 years वी टुक टू अंडरस्टैंड कि कैसे हमें कंपनी खड़ी करनी है, कैसे हमें एम्प्लॉयज़ को हायर करने हैं, काफ़ी का सारा नॉलेज भी हमने गेन किया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने ट्रेडिशनल बिजनेस में गेन करी थी। नॉलेज तो ऑफकोर्स ओवरऑल था, क्योंकि सब कुछ सीखना पड़ रहा था फ्रॉम द बूटस्ट्रैप। अगर अपनी खुद की कंपनी खड़ी करनी है वो भी इतनी लार्ज स्केल में, तो बहुत कुछ चीज़ें हमें खुद करनी पड़ती है। और हमारा ड्रीम भी था, हम चाहते थे कि हम बिल्कुल ऑन द टॉप रहे, और खुद की कंपनी होगी तो हम खुद के बॉस होंगे, खुद की कंपनी होगी तो हम अपने तरीके से उसको चलाएंगे। तो ये सारे ड्रीम पूरे करने के लिए जो कुछ भी ज़रूरी था, जैसे कि मार्केटिंग कैसे करते हैं, प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, किस कंज्यूमर को किस तरह से बेचना है, सप्लाई जो पार्टनर्स होते हैं उनके साथ किस तरह से हमें रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं, तो ऐसी सारी बहुत सारी नॉलेज हमने गेन की। और इस नॉलेज के साथ साथ ना हमने बहुत सारा एक्सपीरियंस भी गेन किया। अभी एक्सपीरियंस के बारे में तो उन्होंने बताया है, तो
अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस तो बहुत थे, साथ ही में थोड़े बुरे एक्सपीरियंसेस भी थे जैसे आपने देखा. पर्सनली हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई एक्सपीरियंस अच्छा या बुरा होता है, सारे एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस होते हैं. और ये एक्सपीरियंस ही है जो हमें कॉन्फिडेंस देता है इस बात का कि हम फिर से उठ खड़े हों. और ये एक्सपीरियंस ही है जो हमें कॉन्फिडेंस देता है कि हम फिर से उस टॉप तक जाएं. तो ये सब गेन करते करते हमने काफ़ी सारा वेट भी गेन कर लिया था. और आपको तो पता है ना कि वेट एक बार गेन हो जाता है तो लेडीज़ का कॉन्फिडेंस का टाइटाई फिस. तो ये सब तो गेन किया, काफ़ी कुछ लॉस भी किया था. जैसे हम काफ़ी कुछ वक्त खो चुके थे एजिंग के कारण. भी हमें लग रहा था कि जैसे समय बहुत 38 इयर्स की एज हो गई एंड वी फेल्ट दैट वी हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ टाइम. 10-12 साल इसमें गवा दिए एंड वी फेल्ट दैट यू नो वी शुड गिव इट अ ट्राई करके किस तरह से हम इस पर्टिकुलर, अगर अब टॉप को जाना है तो ऑब्वियसली इस हालत में नहीं जा सकते, तो हमें इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. तो घर में सामने ही पड़ा था सब कुछ ऑफकोर्स, योगी की जितनी एडमेंट नहीं हूँ मैं, तो सामने जो चीज़ें पड़ी थी उनको देखा कि मैंने गैनोडर्मा है, इसमें एंटी एजिंग आती है, स्पिरुलिना है, इससे न्यूट्रिशन मिलता है, एनर्जी नहीं है, ठीक है स्पिरुलिना लेके देख लेते हैं. और थोड़ा थोड़ा लेना स्टार्ट किया, और जब लेना स्टार्ट किया तो काफ़ी हद तक मुझे एनर्जी महसूस होने लगी. तो जब एनर्जी महसूस हुई तो मुझे वी ऑब्वियसली थॉट, वो थॉट आता है ना, देखिए जब पहले जब डॉक्टर और प्रोफेसर बताते थे कि आप ले लो गैनोडर्मा, जैसे प्रेगनेंसी में ले लिया, बीमार हुए तो थोड़ा ले लिया, तो ऐसे वैसे हम लोग कंटिन्यूसली लेते रहते थे. बट एक रेगुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम करना और यहाँ वहाँ कभी कभी इसको ले लेना, इसमें बहुत फ़र्क है. मैं इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि जब हमने रेगुलरली लेना यूज़ किया तो एक अलग सी वाइटालिटी बॉडी में आने लगी. तो ऑब्वियस था कि यू नो ये क्यों हो रहा है, ये डाउट हमारे माइंड में आने लगा, ये क्यों हो रहा है, कैसे हमारी वाइटालिटी ऐसे बढ़ रही है. तो जल्दी से घर में जितनी भी किताबें गैनोडर्मा पे और स्पिरुलिना पे या फिर जितने भी हर्ब्स थे उसके ऊपर, जितनी भी रिसर्च की पेपर्स घर में पड़ी हुई थी जो प्रोफेसर और डॉक्टर रखते हैं, जिसके ऊपर उन्होंने मुझे दे के रखी हुई थी, उस पर धूल लगी हुई थी, तो मैंने उसको धूल को झटका और उसको ओपन किया और उसको पढ़ना शुरू किया. और पढ़ते पढ़ते खाते खाते पढ़ते पढ़ते खाते खाते ये रिजल्ट आया. ये था, हम ऐसे दिखते थे 2019 में. आप देख सकते हैं किस, मतलब मैं तो ऑलमोस्ट सेम ही हूँ, मैं तो ज़्यादा बदली नहीं हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि योगी में कितना चेंजेस आया है. नहीं मैं मजाक कर रही हूँ, ऑफकोर्स हम दोनों का वेट लॉस बहुत ज़्यादा हुआ एंड नियर टू अबाउट 100 kgs वेट हो गया था योगी का इन 2019. तो प्रोडक्ट खाते खाते वी हैव गॉट टू दिस लेवल. हम इस लेवल में आके जितनी कॉम्प्लीमेंट्स पा रहे थे उससे हमें रियलाइज़ हुआ कि जो हमारे साथ हो रहा है वो, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे करके यू ऑलमोस्ट लुक लाइक यू वर इन कॉलेज, यू नॉट चेंज्ड एट ऑल, कि क्या हो रहा है, नो लाइक व्हाई आर यू, हाउ कम यू आर द सेम. एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज नो आई एम नॉट द सेम. मैं काफ़ी कुछ, मेरा हेल्थ वॉज आउट ऑफ कंडीशन एंड इट गॉट बैक, सो दैट मस्ट बी समथिंग. सो ये कैसे हुआ, बहुत लोग बोल रहे थे करके समवेयर अबाउट 5 to 6 ईयर्स का डिफरेंस लग रहा है, लाइक यू लुक 5-6 ईयर्स यंगर एंड देन अनदर 6-7 मंथ्स ऑफ मी कंटिन्यूसली टेकिंग, ऑफकोर्स 1.5 ईयर्स में आई वॉज लुकिंग 5-6 ईयर्स यंगर, अनदर 6-7 मंथ्स मैंने कंटिन्यू किया. सो नियर टू अबाउट 2 ईयर्स में पीपल स्टार्टेड कॉम्प्लीमेंटिंग मी दैट यू लुक एज दो यू नॉट क्रॉस्ड योर 20s, यू जस्ट लुक लाइक यू एंटर्ड योर 30s. मतलब 10 ईयर्स का एंटी एजिंग का लोगों को ऐसा लग रहा था. ये मैं नहीं बोल रही हूँ, लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ. तो इससे तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि गैनोडर्मा से एंटी एजिंग 100% होती है. ये फैड नहीं है, गैनोडर्मा से एंटी एजिंग होती है, एंटी एजिंग होती है. ये आप आके सिर्फ ऐसे रट्टा मार के आप अपने अपलाइन से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, फिर अपने डाउनलाइन को बता रहे हैं. मैं आपको बता रही हूँ कि गैनोडर्मा से एंटी एजिंग होती है एंड दिस इज द प्रूफ राइट हियर. या एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू टेक दिस एज एन एग्जाम्पल, नॉट जस्ट ऐसे कि ऐसे नहीं कि आगे चला गया. हाँ सो इट्स नॉट लाइक
गैनोडर्मा से सिर्फ हमारी एंटी एजिंग होती है, देर आर लॉट ऑफ अदर हर्ब्स लाइक योगी मेंशन विच प्रोवाइड्स अस द सपोर्ट, और हमें इन सपोर्ट की ज़रूरत है इस शरीर को बिल्कुल मेंटेन रखने के लिए. क्योंकि जब मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि बचपन से मेरी इच्छा थी कि मैं एक भरतनाट्यम डांसर बनूँ, क्लासिकल डांसर बनूँ, फिर एजुकेशन के कारण नहीं कर पाई, फिर शादी के बाद भी ट्राई किया तो बिजनेस के कारण नहीं कर पाई, फिर बच्चे हो गए फिर भी मैं नहीं कर पाई. तो एक पॉइंट के बाद लगा करके यार ये तो होने ही नहीं वाला है क्योंकि एज हो गई है, अब ये नहीं होगा. लेकिन रेगुलरली ये सारे प्रोडक्ट्स लेने के बाद नाउ आई हैव गॉन बैक एंड आई हैव स्टार्टेड लर्निंग भरतनाट्यम. छोटे छोटे बच्चों के साथ मैं भरतनाट्यम सीखती हूँ और मेरे डांस मैम का कहना है कि उनसे भी अच्छा मैं कर लेती हूँ और मेरे में ज़्यादा एनर्जी है बच्चों से ज़्यादा. सो या सो दिस इज़ द रीज़न वाई वी हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी, क्योंकि हम रेगुलरली हमारे प्रोडक्ट्स इस तरह से कंज्यूम करते हैं. तो हम एग्जैक्टली क्या करते हैं मैं वो आपको स्लाइड बाय स्लाइड बताने वाली हूँ. तो हमारा सुबह से शुरू होता है, हम सप्लीमेंट्स लेना सुबह से शुरू करते हैं. हमारे मॉर्निंग के सप्लीमेंट्स हैं, हमारे आफ्टरनून के सप्लीमेंट्स हैं, हमारे नाइट के भी सप्लीमेंट्स हैं. ओके, एंड ओवर द डे हम वी यूज़ डिफरेंट अदर थिंग्स ऑल्सो. तो मॉर्निंग सप्लीमेंट्स में वी हैव इंक्लूडेड समथिंग लाइक नीम, जिनसेंग, अश्वगंधा एंड ब्राह्मी. तो सुबह उठते ही हम पहले ये सब चीज़ें ले लेते हैं गर्म पानी के साथ. ठीक है, नीम इज़ नोन फॉर क्लेंजिंग द बॉडी एंड आप सबको देखिए आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट्स बेनिफिट्स. आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग सब गूगल कर लीजिए, यू विल हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, या फिर ना सीधा खा के देख लीजिए. यार खा के देख लीजिए आपको ना 4-5 दिन में ना वो फर्क महसूस होने लगेगा. आप है ना ब्राह्मी भी अगर आप रेगुलरली लेते हैं ना ब्राह्मी, विद इन 1 वीक ना आपको सडनली लगेगा क्या मेरा फोकस इतना अच्छा है, मैं इतना अच्छा यू नो सोच पा रहा हूँ. ये एक्चुअली वो ब्राह्मी है. सो यू हैव टू यूज ब्राह्मी ऑल्सो रेगुलरली. बट एनी वे दीज आर आवर मॉर्निंग हर्ब्स. तो ये हम रेगुलरली मॉर्निंग्स में लेते हैं. फिर नेक्स्ट, देन मॉर्निंग एंड इवनिंग का हमारा एक और रूटीन है. हम इमीडिएटली सुबह उठते ही कॉफ़ी नहीं लेते हैं, हम अपनी बॉडी को टाइम देते हैं उठने के लिए, 1 घंटे का या 1.5 घंटे का टाइम देते हैं. उस टाइम में हम अपने मॉर्निंग के रूटीन्स कंप्लीट कर लेते हैं, सूर्य को नमस्कार कर लेते हैं, योग वगैरह, एंड देन वी गो अहेड एंड वी टेक आवर कॉफ़ी. इस कॉफ़ी को बुलेट कॉफ़ी भी बोल सकते हैं क्योंकि इस कॉफ़ी में हम मिलाते हैं कोकोनट ऑयल, जो अपना गैनो कोकोनट ऑयल है, और थोड़ा सा थोड़ी सी कॉफ़ी का, अगर आप पूरा सैचेट लेना चाहते हैं तो पूरी सैचेट ले सकते हैं, या फिर थोड़ी कॉफ़ी डाल के फिर उसमें गैनोडर्मा मिलाते हैं. और गैनोडर्मा हम कैप्सूल का, आप कैप्सूल को खोल के आप वो पाउडर आप मिला दीजिए उसमें. यस, पाउडर फॉर्म में मिलाना है गैनोडर्मा को. समवेयर अबाउट 15 RG and 15 GL हम मिलाते हैं. दिस इज़ आवर लेवल ऑफ टेकिंग दिस. और इसको हम 2 बार दिन में ये वाली कॉफ़ी पीते हैं, गर्म पानी में इसका घोल बना के हम इसको 2 बार पीते हैं. और ये पीने के बाद ना आदमी बैठेगा नहीं, पूरा दिन दौड़ेगा. ओके, तो ये होगा आपके साथ भी, आपकी चाहे जो भी उम्र हो, इसको पीने के बाद ऑल डे यू ऑल विल रन, पूरा दिन का आपका एनर्जी लेवल्स अप रहेगा. फिर मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो कोकोनट ऑयल की क्वांटिटी हमने यहाँ पे जो लिखी है, अबाउट 5 to 30 ml, हो सकता है कि प्लीज़ यू कैन टेक फोटोज इफ़ यू वांट, हो सकता है कि 5 to 30 ml यू विल नॉट बी एबल टू इंजेस्ट. आप लोग पहले 30 ml से शुरू नहीं कर सकते हैं, आप 5 ml से शुरू कर लीजिए. और गैनोडर्मा भी तो मैं कहती हूँ कि यू स्टार्ट विथ स्मॉल क्वान्टिटीज, जो भी हैं आप स्मॉल क्वान्टिटी से शुरू करें, फिर धीरे 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 जैसे अपने, क्योंकि ये सारे जो अपने सप्लीमेंट्स हैं ना, दीज आर ऑल फूड्स, दे आर सुपर फूड्स. ठीक है, और सुपर फूड्स को हमारी बॉडी एडजस्ट करने के लिए थोड़ा वक्त लेती है. तो आप एक साथ बहुत ज़्यादा लेंगे तो आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा. तो आप थोड़ा 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 करके 1-2 महीना अपने आप को टाइम दीजिए, बॉडी को टाइम दीजिए, और फिर धीरे धीरे अपने लेवल्स को बढ़ाइए. कि जितना आप ज़्यादा लेना चाहते हैं आप उतना ज़्यादा ले सकते हैं. हम अपना दिखा रहे हैं ना कि कितना ज़्यादा हम फिलहाल ले रहे हैं, तो एटलीस्ट आप उस लेवल तक तो जा ही सकते हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है हमारा नून का सप्लीमेंट्स, विच इज़ बेसिकली नोनी मोरिंगा. नोनी एंड मोरिंगा आर एब्सोल्यूटली ब्यूटिफुल. ओके, इट्स मच बेटर देन जस्ट हैविंग नोनी जूस. यू कैन जस्ट गो अहेड एंड हैव नोनी कैप्सूल्स. स्पिरुलिनास, ये हमारा टाइम है जब हम हमारी बॉडी में स्पिरुलिना लोड करते हैं, क्योंकि इंस्टेड ऑफ ईटिंग अनहेल्दी लंचेस और अनहेल्दी फूड्स आउटसाइड, हम प्रिफर करते हैं कि हम सबसे बेस्ट न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी को पहले दे दें.
तो हम ये टाइम है बिफोर लंच जब हम स्पिरुलिनास को लोड करते हैं एंड आफ्टर दैट हम कॉर्डिसेप्स एंड लायंस मेन, कॉर्डिसेप्स एंड लायंस मेन शायद यहाँ पे इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है, होपफुली जल्द ही आएगा, तो अगर आपके पास एक्सेस है कॉर्डिसेप्स एंड लायंस मेन के लिए तो डेफिनेटली आप लोग कॉर्डिसेप्स एंड लायंस मेन भी लेना है. ओके, वी हैव जस्ट रिसेंटली स्टार्टेड, दीज आर अमेजिंग मशरूम्स. एंड नेक्स्ट देन कम्स आर नाइट रूटीन विच इज ऑल्सो अनदर सेट ऑफ आवर इंडियन हर्ब्स, गिलोय, त्रिफला, सी बकथॉर्न एंड हेल्दी बोन्स. ठीक है, तो हम रात को ये वाले ले लेते हैं सो दैट हम अच्छी नींद सो सकें और उस अच्छी नींद के दौरान जो हमारी बॉडी पे काम करना चाहिए फॉर आर स्किन, फॉर आर बोन्स, फॉर आर डाइजेस्टिव सिस्टम, एवरीथिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर्क ब्यूटिफुली ओवर नाइट एंड वी आर बैक अगेन द नेक्स्ट डे फॉर द नेक्स्ट डेज रूटीन. और इस दौरान अगर हमें कभी भूख लगती है, नेक्स्ट स्लाइड, तो हम बीच बीच में कोम्बुचा ले लेते हैं या फिर ग्रीन टी विद तुलसी हनी ले लेते हैं या फिर पिंक सॉल्ट लेते हैं हमारी लस्सी में. सो बेसिकली दिस काइंड ऑफ थिंग्स ना, ऐसे ऐसे जो खान पान होते हैं, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द गट माइक्रोबायम्स ऑफ योर बॉडी. तो गट माइक्रोबायम्स अगर आपके बॉडी में बेहतर होंगे तो आपके फूड हैबिट्स भी बेहतर होने लगेंगे. और लंच, डिनर और स्नैक्स में फिर हम ऐसा टाइप का खाना लेते हैं, राइट? यूजुअली इट्स फिल्ड विद सैलड्स, जैसे कि पीनट का सैलड हो या चने का सैलड, नट्स वगैरह हम ज़्यादा लेते हैं, सीड्स भी हम लेते हैं, जैसे हम पम्पकिन सीड्स एंड ऑल ऑफ दोस, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, दीज आर ऑल्सो वेरी हाई इन एंटी ऑक्सीडेंट्स. घर पर जो खाना होता है आपका, आप इंस्टेड ऑफ ईटिंग मोर क्वान्टिटी ऑफ राइस एंड रोटी, you can include in your diet, which are again high in antioxidants, you can include ज़्यादा nutrient वाले खाने, ये high nutrient foods हैं. और हम raw salad भी लेते हैं. फिर उसके बाद में भी अगर भूख लगती है तो हम घर का खाना लेते हैं जो कि simple सा होता है, दाल, रोटी, चावल, सब्जी. okay? So you don't really need to fancy foods बना के खाने की कोई ज़रूरत नहीं है. अपने आप पर ज़्यादा प्रेशर लेके ज़्यादा फैंसी फूड्स बनाने की ज़रूरत नहीं है. नेचुरल रॉ फूड्स आप खाएं जहाँ जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं. एंड ये हो सकता है कि आपको देखने के लिए ऐसा लग रहा है कि शायद ना हम लोग बिल्कुल बिना स्वाद का खाना खाते हैं या ऐसा कुछ है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है. क्योंकि हमें क्या हो जाता है कि एक लेवल के बाद ना बहुत ज़्यादा मसालेदार, बहुत ज़्यादा शुगर, हाई शुगर फूड्स खाने के बाद ऐसी हैबिट बन जाती है. तो उस हैबिट के कारण फिर जाके हमें हेल्थ इश्यूज आती है, जैसे बिगिन होता है कभी कभी कुछ लोगों को मोटापे से शुरू होता है वो. सो वो मोटापे से शुरू होके फिर बाद में वो डायबिटीज़ में बदलता है, डायबिसिटी में बदलता है, फिर जाके फ्यूचर में किडनी इश्यूज़ बन जाते हैं एंड ऑल ऑफ दैट. तो ये एक साइकिल बन जाता है. तो उस साइकिल में अगर आपको नहीं जाना है तो आपको अपनी आदतें आज बदलनी पड़ेगी. तो ऐसे ही हमने भी किया, वी स्टार्टेड चेंजिंग अवर हैबिट्स. और हमने अपनी हैबिट्स ऐसे बदली है कि हम अभी जब इस खाने को खाते हैं तो हमारे गट माइक्रोबायम्स बोलते हैं वाओ, सो टेस्टी, क्या फ्रूट है. हर फ्रूट का हमें स्वाद आता है, हर सब्जी का हमें स्वाद आता है. पूरे TSIP ट्रिप में क्या खाया मैंने, सब्जी भर भर के खा रही थी मैं, और पीपल आर वंडरिंग ये कैसे खा रहे हो, अरे बहुत टेस्टी लग रहा है. बिकॉज आई रियली एन्जॉय एवरी टेस्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज रॉ फूड्स नाउ एंड थैंक्स टू DXN एंड थैंक्स टू द डिसिप्लिन विच आई लर्न फ्रॉम माई हस्बैंड कि रेगुलरली प्रोडक्ट्स को लेना है, मतलब लेना है. तो जब मैंने ये किया तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं मेरी बॉडी को ये समझ में आने लगा कि आई थिंक इट हैज़ बिकम मोर करेक्टेड. मेरे बॉडी में कुछ करेक्शंस आने लगे हैं कि जो मेरी खराब हैबिट्स थी उसमें से बाहर निकल के मैं अच्छी हैबिट में आने लगी, इजी हो गया. तो अगर कोई भी टारगेट, अगर आप अपने फिजिकल बॉडी के लिए अगर आप कोई भी टारगेट रख रहे हैं, चाहे आप किसी बीमारी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं या वो सब भी हो तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको अपनी पुरानी आदतों से निकल के बाहर आना पड़ेगा. और पुरानी आदतों से निकल के बाहर आने के लिए सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट DXN के सप्लीमेंट्स से मिलता है.
तो यही था हमारा, मुझसे कहा गया था कि आज मुंबई की बहुत सारी लेडीज आई है और मैं देख भी रही हूँ कि ओ माय गॉड, ये पूरा लाइन, ये पूरा रो महाराष्ट्र की लेडीज, आई एम सो हैप्पी. आप लोग को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है. मुझे हमेशा ऐसा लगा था कि डीएक्सएन में ना नारी सबसे बेस्ट होती है, डीएक्सएन की नारियाँ, क्योंकि वो जिस तरह का काम करती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि रियली मैं उनको सैल्यूट करती हूँ. आज भी आप लोग इतनी मुश्किलों से, थैंक्स टू द कमिटी ऑल्सो, ऑल द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, आप लोगों ने, मिश्रा सर, मैम एंड एवरीबडी, ऑल ऑफ यू हैव वर्क्ड सो हार्ड कि आज की जो आपने अरेंजमेंट्स की है, इट्स ब्यूटिफुल. इतना मुश्किल होगा क्योंकि मैंने देखा है कि इस बार सिचुएशन कैसा है मुंबई में, और इसके बावजूद भी आप लोग सब अपने घरों से निकल के आज यहाँ आए हैं और हमारे साथ बैठी हैं और हमें सुनने के लिए इतना दूर आई है. रियली इसके लिए थैंक यू वेरी मच. यू आर ऑल अमेजिंग. मतलब आप लोग को देख के ना मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट में अगर आप मुझसे कुछ बोलने को कहेंगे तो आई विल बी लाइक, नारी ना, नारी खुद में एक शक्ति है, तो शक्ति को एम्पावरमेंट थोड़ी होती है, शक्ति को आप एम्पावर नहीं कर सकते हैं जी, नारी खुद में एक शक्ति है. और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है, मुझे फील होता है कि जो भी लेडी अपने घर के हाइजीन, अपने घर के न्यूट्रिशन, घर के लोगों के लिए फिक्र करती है, अपने से ऊपर उठकर दूसरों के बारे में जब कोई सोचती है तो वो अपने आप में एक शक्ति है. मुझे तो ये भी लगता है कि जो लेडी दूसरों के इमोशंस को समझ जाती है, मतलब अब दूसरों के दुखों को या दूसरों के दर्दों को खुद को अपना दर्द समझ के फिर उनके दर्द को कैसे कम कर सके, उसके लिए टाइम और एनर्जी देती है ना, वो भी एक शक्ति है. और मुझे तो ये भी लगता है कि जो लेडी, नेक्स्ट लाइन, जो लेडी रोज़ रोज़ झिकझिक करती है, आपसे पूछ रही है कैसे हैं, आप सामने वाले को कोई इंटरेस्ट है या नहीं है, सामने वाले को लग रहा है पता नहीं क्यों बार बार नाक घुसा रही है, लेकिन फिर भी वो उनके लिए केयर करती है इसकी फिक्र किए बिना कि सामने वाले को कैसे मेरे साथ रिएक्ट कर रहा है, इसकी फिक्र किए बिना फिर भी लेडीज़ अपने सभी प्रियजनों से केयर करती है, अपने फैमिली वालों को केयर करती है, अपने रिलेटिव्स से केयर करती है, अपनी टीम के मेंबर्स के लिए केयर करती है. तो ये एक अनकंडीशनल लव और ये जो अनकंडीशनल केयर है ना, ये भी एक शक्ति है जी. और वो लेडीज़ भी जो अपनी टीम या अपनी कोई छोटी गैदरिंग हो या बड़ी गैदरिंग हो, बड़ा ग्रुप हो, फैमिली छोटी बड़ी, जहाँ पे भी किसी के मन में क्या चल रहा है वो समझ जाती है, क्योंकि उनके छोटे छोटे एक्शंस को देख के वो समझ जाती है और फिर वो अपने छोटे छोटे प्रयास करती है ताकि सबके बीच में खुशहाली बनी रहे, फैमिली को एकजुट रख पाती है, तो वो भी एक शक्ति है. मैं इन सब शक्तियों के बारे में, ये भी एक शक्ति है, सॉरी, ये देखिए, ये जो पेट में जब हमारी कोई बात नहीं रुकती है और हम लेडीज क्या करती है, सीधा सीधा अपना सारा सीक्रेट बता देती है, इतना बता, तू भी बता क्या चल रहा है, क्यों हम ऐसे, ये भी एक शक्ति है. मैं इन सबको इसीलिए शक्ति बोल रही हूँ क्योंकि मैंने डीएक्सएन में आके पाया है कि डीएक्सएन ने इन सब शक्तियों के लिए हमें रिकग्नाइज करता है. कैसे रिकग्नाइज करता है, डीएक्सएन नारीज आर द बेस्ट बाय द वे. कैसे रिकग्नाइज करता है, तो डीएक्सएन नारी वो है जो अपने घरों में हाइजीन प्रोडक्ट्स और इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स रखती है, ना ही सिर्फ खुद के लिए यूज़ करती है, अपने बच्चों को भी खिलाती है, अपने बड़ों को भी खिलाती है, दूसरे लोगों को भी बताती है, राइट. तो ये बिल्कुल केयर करने वाली चीज़ है और इसके लिए डीएक्सएन हमें गुड कंज्यूमर बुलाता है, राइट. फिर डीएक्सएन की नारियाँ हैं जो दूसरों को हेल्प करते हैं इस प्रोडक्ट को बताने के लिए, राइट. तो उसके लिए हमें कंपनी, इट टेल्स अस दैट ओके, अगर आपको कोई डाउनलाइन बता रहा है या कोई आप
फॉलो अप करने के टाइम पे कोई रिजेक्शन मिल रहा है तो डीएक्सएन की नारियाँ हैं जिसे रिजेक्शन फील नहीं होता है और वो फिर भी उनको फॉलो अप करती है, टाइम देख के फॉलो अप करती है। आप इमीडिएटली फॉलो अप नहीं करते हैं क्योंकि आपको पता है कि उस बंदे को टाइम चाहिए, लेकिन आपको पता है कि आप सही रास्ते पे हैं तो आप फ्यूचर में वापस उनको परस्यू करती हैं और फिर वो वापस आते भी हैं, राइट। सो दैट इज़ द पावर ऑफ फॉलो अप। फिर डीएक्सएन की नारी है जो एक गुड लीडर भी है, डीएक्सएन की नारी है जो एक गुड लीडर बन सकती है क्योंकि वही नारी जो आके दूसरों को और सभी टीम मेंबर्स को एकजुट रखती है वही है गुड लीडर। और जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पेट में कोई सीक्रेट नहीं रुक रही है तो नो प्रॉब्लम, आप अपनी सारी सीक्रेट्स बता दीजिए, मेरी सीक्रेट भी आप खुल के बता दीजिए, हमें कैसे मोटी थी और हम कैसे पतले हुए ये भी सब आके सबको बता दीजिए। ये सीक्रेट आपको रखना ही नहीं है, ट्रांसपेरेंसी वाला बिजनेस है यार, तो आप कर लो ना। और हम इस सीक्रेट को शेयर करने के लिए भी कंपनी हमें एडिफाई करती है। और थैंक यू। सो डीएक्सएन के बारे में अभी मैं ना एज अ नारी टू नारी आप लोगों को एक सीक्रेट बताने वाली हूँ, ठीक है। नारियों के सबके लिए है, सुनिए ना, ये जो डीएक्सएन का बिजनेस है ना ये ना नारियों के लिए ही बना है 100%। ये डीएक्सएन को खुद को नहीं पता है लेकिन ये बिजनेस 100% नारियों के लिए ही बना है। जस्ट अभी दो दिन के पहले ना प्रोफेसर का फोन आया था और वो मुझे बता रहे थे, नहीं सॉरी कल, ही हैज़ इन्फॉर्म मी कि WFDSA जो कि वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है उसका कुछ लेख आया है, उस रिपोर्ट में ये बताते हैं कि समवेयर अबाउट 70-80% विमेन इस नेटवर्किंग बिजनेस में है और उसमें से वेस्टर्न जो वुमेन हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ की जितनी भी वुमेन हैं वो अभी फ़िलहाल अपने एक्टिव इनकम को छोड़कर पैसिव इनकम की तरफ बढ़ना चाहती है क्योंकि पैसिव इनकम में वो देख पा रही है कि वो अपने घरों में रुककर अपने प्रियजनों का ध्यान रख पाएगी, राइट। तो दिस इज़ क्वाइट अमेजिंग, ये ही अपॉर्चुनिटी हमें डीएक्सएन का बिजनेस भी देता है। तो अगर आप कंटिन्यूसली अपने कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं, अपनी फैमिली के कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं, अपनी टीम के कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं, आप लेके जाइए ना 4 गुना ज़्यादा कंजम्पशन करके देख लीजिए ना, फिर गारंटी है कि नहीं कि 4 गुना ज़्यादा आपको बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा राइट। तो ये स्पेशल मैसेज ना मैं डीएक्सएन की नारियों को दे रही हूँ, ऑफकोर्स इट मीन्स फॉर ऑल ऑफ यू, सबको करना है इसको। और ये स्पेशल मैसेज आप ही लोगों के लिए है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम वीमेन इसका बेनिफिट उठाए क्योंकि वीमेन को एम्पावरमेंट की ज़रूरत है ही नहीं, खुद ही में अगर आप शक्ति हैं और शक्ति के प्रदर्शन के लिए अगर आपको कहीं पे एडिफाई हो रहा है तो उसका हाथ पकड़िए और उसके साथ चलिए, खुद भी आगे बढ़िए, दूसरों को भी तो आगे बढ़ा सकते हैं ना हम, दूसरों के भी तो हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमें बस इतना ही करना है। मैं तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी, महाराष्ट्र की ब्यूटीफुल लेडीज ना, आप जैसी है राइट, आप वैसे ही अच्छी है, आप बहुत बढ़िया है, आपको बस अपने जैसी और 10 खड़े करनी है, बस आपको ड्यूप्लीकेट करना है अपने आप को। तो इसी बात पे ना एक नारा लगाएं क्या? yes. हम्म, तो नारा होगा, मैं कहूंगी नारी शक्ति, आप कहेंगे ड्यूप्लीकेट, राइट। नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक्स, एक जोरदार।